हैरान रह जाएंगे हो कि दो सीनियर मंत्री हरपाल चीमा ते अमन अरोड़ा उन्होंने जिहड़ा इत्थों गए सीगे बंदे अपना वफद लैके मिलन उन्होंने जो वादे किए मुड़ के गल ही नहीं करी साफ ही मुकर गए। मूहरे जलंधर चोण आ गई हुण जलंधर चोण च झाड़ू वाले ख्यामजा भुगतने लई तैयार रहन इस दा ख्यामजा उन्होंने जलंधर की चोण विच भुगतना पऊगा। असी बैठे हैं असी कोई रस्ता तो बंद करिया नहीं कौमी इंसाफ मोर्चे वालों कोई रस्ता नहीं बंद जिहड़े आ बैरीकेड लगे हुए ने उधर बैरीकेड लगे हुए ने वो सारे पंजाब पुलिस ने लाए हुए ने मोर्चे वाले ने तो लाए नहीं हुए। सरकार च हो कई बंदे इंसाफ नहीं कर रहे जिहड़ा कानून की ये गल्लां करदे ने साडे वर्गियां नूं कहिंदे ने कानून सिखाउंदे ने उस कानून की ये आपे उलंघना कर रहे ने सारे। बड़ा दुख ना ये गल कहनी पै रही है कि अज फिर लोग ये कह लग गए कि यार इन्हों तो अकाली और कांग्रेस ही चंगे थी। भगवंत मान की सरकार ने जबर और जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जी है ना बगैर किसी गल तो बगैर किसी मतबल तो पंजाब दे विच पैरामिलिट्री फोर्सिस सी आर पी बी एस एफ तो फौज लवाती गल कुछ भी नहीं सी। दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि असी झोली साड़ी सीट पेगी वह वाली असी उतो जितांगे हर हाल के जितांगे सानू लोग जितांगे वो तो दावा कर रहे। तुसी ये गल देखियो कि अगली बार जो 2027 चोण होगी आ झाड़ू वाले पंजाब के अणखी लोगों ने गुरु दियां सिखां ने पिंडां च नहीं वड़न देने इन्हां नहीं सिखाया सारा कुछ झाड़ू वाले आपे कहिंदे हुंदे सी कि इन्हां नूं पिंडां च ना वड़न दिओ जी इन्हां दे डले मारो जी असी तो कहें नहीं भी डले मारे हो इन्हों क्योंकि डले खाण जोगे है भी नहीं दुश्मन भी चाहिए ना मूहरे बराबर का ये तो उन्ने जोगे भी नहीं। बिल्कुल निकम्मी और जीरो सरकार है भगवंत मान की पंजाब तुहानू की लगता जिहड़े एन एस ए वर्गे एक्टर लगाए गए ने इत्थे आने चाहिए पंजाब विच नौजवान जिवें उन्हां दी गिरफ्तारी शो की गई मैड करना चाहवागा कई मौजूदा मंत्री इस तरीके कह रहे हैं कि उन्होंने उत्थे भेजन का कोई वड्डा कारण है जे इत्थे इत्थों की जेलों के रख दे तो मिनटों के धरने ला लेने से भी उत्थे भेजन का एक कारण हैगा कहिंदे मुख एक उन्हें मैनू होर बड़ी वधिया गल सुनाई मैनू कहिंदा चाचा जी ये झाड़ू आपां घर च लैके आउने आ कहिंदा ये 6 महीने तो वध नहीं चलता कहिंदा इहदी इन्नी कि मनियाद हुंदी आ कहिंदा मैं रूड़ी ते सट्टिया आ। लोग चाहुंदे ने कि केजरीवाल जी होरां नूं प्रधानमंत्री बनाउणा लोकां दी आवाज़ है उन्होंने भी कहा कि जे असीं कम ना कीते तां आउण वाले समें दे विच असीं चोण वी नहीं लड़ांगे। जिहड़ा केजरीवाल है इहनूं तां पंजाब वड़न नहीं देणा हुण लोकां ने है ना इहने तां सेंटर ने इहनूं फूक छकाती इहनां नूं सिखां नाल पंगा दवाता है ना इन्हां ने सिखां ते जबर और जुल्म किया हुण केजरीवाल उहनूं थोड़ो पंजाब च आ जाणगे उन्होंने इन्हों अपनी पैर की जुत्ती भी नहीं बनाना जुत्ती के तलबे जोड़े थले लगे होंगे ने जे केजरीवाल उन्हें वह बन के इंडियन स्टेट का रहनगे बीजेपी का रहनगे ठीक है नहीं आने वाले समय से देखियो जिथे वह गंजा मनीष सिसोदिया है उत्थी केजरीवाल होगा। पंजाबी लोग चैनल के नाल तुसीं जुड़े हो मैं तुहाडे नाल जगजीत सिंह कौमी इंसाफ मोर्चा तो लगातार तुहाडे नाल तस्वीरां सांझियां करते रहिंदे सी तां अज भी कर रहे हैं लगातार किस तरीके दे नाल जिहड़ा वादे किए गए सीगे सरकार ने भी कहा सी कि इत्थों डेलीगेशन भेजे जाणगे जिहड़े बंदी सिंघां दी रिहाई दी गल होवेगी जिहड़े जगतार सिंह हवारा है उन्हां दे बारे गलबात होवेगी उन्हां नूं पंजाब लिया जाएगा पर अजिहां गल्लां हजे तक कीते गईआं ने क्योंकि फिर तो जिहड़ा 31 मैंबरी जत्था शुरुआत कर दित्ती गई है लगातार जा रहे ने मुख्यमंत्री दे घर वल पर सुनवाई नहीं हजे हो रही लगातार कौमी इंसाफ मोर्चा चलता नज़र आ रहा तो साडे नाल भाई पलविंदर सिंह तलवाड़ा ने उन्हां दे नाल जाणदे आ कौमी इंसाफ मोर्चा किस हालातों तो गुजर रहा किस तरह सरकार सुनवाई कर रही ने किस तरह लोग इतने पहुँच रहे हैं भाई साहब जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब जी लगातार शुरुआत कौमी इंसाफ मोर्चा से कर रहे हैं किस तरह के वल चल रहा मोर्चा क्योंकि लगातार कहा जा रही थी कि सरकार के गलबात चल रही है डेलीगेशन भेजे जाएंगे जल्दी तो जल्दी जो सिंह ने पंजाब लिया की कोशिश की जाएगी। हाँ जी जिहड़ा मोर्चे का डेलीगेशन सीगा वो दो मीटिंगा उन्हें मोर्चे नाल मोर्चे वालों करिया सीगियां सरकार ना और गलबात यही हुई सी उन्हां दी जो उन्होंने सानू दस्या मैं तो उहदे विच गया नहीं हैगा एवें कह दां तुहानू है ना उन्होंने यही दस्या सी कि एक तो भाई जगतार सिंह हवारे की जिहड़ी जेल है वह 31 मार्च तक बदली कर दांगे उन्हां नूं पंजाब लियावांगे दूसरी दूसरी यह गल सी भी जिहड़े बंदी सिंह ने
जिहड़े पंजाब दे अंडर आउंदे ने भी उहनां दीआं फाइलां जिहड़े सारे बंदी सिंघ ने जिहड़े पंजाब अंडर आउंदे ने भी उहनां दीआं फाइलां रिहाई वास्ते पक्कीआं फाइलां बणा के तोर दांगे। ते लेकिन मैं उस दिन भी कहा सीगा कि इस सरकार तो कोई आस नहीं रखी जा सकती है ना, जिहड़ी मौजूदा सरकार है इहने तां पिछलियां सरकारां नूं भी यार मात पाती है ना। तुसीं हैरान रह जाएंगे कि दो सीनियर मंत्री हरपाल चीमा ते अमन अरोड़ा उन्होंने जिहड़ा इत्थों ज गए सीगे बंदे अपना वफद लैके मिलन, उन्होंने जो वादे किए मुड़ के गल ही नहीं करी, साफ ही मुकर गए। और जे हुण उह साफ मुकर गए आपां कर कुछ नहीं सकते। मूहरे जलंधर चोण आ गई, हुण जलंधर चोण च झाड़ू वाले ख्यामजा भुगतण लई तैयार रहन, इस दा ख्यामजा उन्हां नूं जलंधर दी चोण विच भुगतना पऊगा। तुहानूं की लगदा जिस तरीके नाल वादे कीते जा रहे सी जत्था नहीं जाएगा, एक महीना जत्था गया नहीं, उस तो बाद फिर जत्थे की शुरुआत होंदी है, जत्था अगे वल वधदा उसी तरीके नाल बैरीकेटिंग होंदी है, लोग कहिंदे असीं परेशान होण लग गए, उसी तरीके नाल कहिण लग गए, उसी तरीके नाल गल्लां चलण लग पईआं, कि लगदा फिर लोग वाकई परेशान हो रहे ने, तुहाडी सुनवाई इस तरीके नाल हो जाएगी। देखो जिहड़ा शांतमई मोर्चा हुंदा, जिहड़े शांतमई संघर्ष हुंदे ने उह इसे तरहां लड़े जांदे ने, हैना। तो असीं बैठे हाँ, असीं कोई रस्ता तो बंद करिया नहीं, कौमी इंसाफ मोर्चे वालों कोई रस्ता नहीं बंद, जिहड़े आ बैरीकेड लगे हुए ने उधर बैरीकेड लगे हुए ने वो सारे पंजाब पुलिस ने लाए हुए ने, मोर्चे वाले ने तो लाए नहीं हुए, इस करके मोर्चा तो उरे संघर्ष चल रहा है ना, तो सुनवाई तो करनी पऊगी। नाले एक गल देखने वाली गल ये है बई सरकार च हो के ही बंदे इंसाफ नहीं कर रहे, जिहड़ा कानून दी गल्लां करदे ने साढ़े वर्गियां नूं कहिंदे ने कानून सिखाउंदे ने, उस कानून की आपे उलंघना कर रहे ने सारे सरकार वाले बंदे, तो सरकार दे बिल्कुल पल्ले पुल्ले कुछ नहीं हैगा। तो तुसीं देखियो पहला संगरूर च इन्हां दा मक्कू ठप्पिया आपां है ना, तो हुण जलंधर च भी तैयारी है, जलंधर च तुसीं देखियो गुरु महाराज कृपा करन जे कौमी इंसाफ मोर्चे ने साडी जथेबंदी ने भाई जगतार सिंह हवारे उन्होंने हदायत की तां इन्हां दा भंगड़ा पवावांगे जलंधर हर हालत च जाके, है ना। वो मीटिंग होगी, मीटिंग च की फैसला हुंदा, किहड़े किहड़े बंदे प्रचार ते जांदे ने, जिवें संगरूर इन्हां दे कन्नां नूं हत्थ लवाए ने उस तरह इन्हां दे कन्नां नूं हत्थ जलंधर भी पंजाब दे लोक लवाउणगे। बड़ा दुख ना ये गल कहनी पै रही है कि अज फिर लोग ये कहण लग गए कि यार इन्हां नूं तां अकाली और कांग्रेसी चंगे थी, है ना। तो अज फिर सेंटर च लोग ये गल कहण लग गए मी नरेंद्र मोदी नूं तां डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हीं चंगे थी जिहड़े जुल्म तां नहीं थी करदे। भगवंत मान दी सरकार ने जबर और जुल्म दे सारे रिकॉर्ड तोड़ते जी, है ना, बगैर किसी गल तो बगैर किसी मतबल तो पंजाब दे विच पैरामिलिट्री फोर्सिस सी आर पी बी एस एफ ते फौज लवाती, गल कुछ भी नहीं सीगी, जां तां कोई गल हुंदी फिर तां इन्ना कुछ करन दी लोड़ सी, लेकिन बगैर मतबल तो पंजाब नूं बलदी भट्ठी च झोंकता पंजाब दे मुख्यमंत्री ने, पंजाब दी नलायक सरकार ने। दावा कर रहे ने आम आदमी पार्टी वाले कि असी झोली साडी सीट पेगी उह वाली असी उत्थों जितांगे, हर हाल दे विच जितांगे, सानूं लोक जितानगे, उह तां दावा कर रहे। दावा तां हरेक करदा हुंदा जी, दावा तां प्रकाश सिंह बादल भी करदा होऊगा, दावा तां प्रकाश सिंह बादल भी करदा होऊगा भी मैं भी जितूंगा, मैं भी पंथ दा नुमाइंदा, है ना। दावियां दी नहीं गल, गल लोकां दे विच की गल चल रही है। लोक जो भगवंत मान ने जबर और जुल्म जो दमन की नीति अपनाई है उन्हें किवें देखते हैं ये पता लग जूगा। तुसी एक गल देखियो अकाली और कांग्रेसी जिन्होंने लंबा समा पंजाब च राज कीता है ना, वो दोबारा लोगों चले जाते हैं, लोग उन्होंने कुछ नहीं कहते, सुन लेंदे ने, वोट नहीं पाते, कहते हैं भी तुसी कुछ नहीं किया। तुसी ये गल देखियो कि अगली बार जो 2027 चोण होगी आ झाड़ू वाले पंजाब दे अणखी लोगों ने गुरु दियां सिखां ने पिंडां च नहीं वड़न देने, इन्हां दे जुत्तियां वज्जणगियां, इन्हां नूं लोक भजाउणगे, ये आपे ये गल कहिंदे हुंदे सी, इह इन्हां नहीं सिखाया सारा कुछ, झाड़ू वाले आपे कहिंदे हुंदे सी कि इन्हां नूं पिंडां च ना वड़न दिओ जी, इन्हां दे डले मारो जी, असीं तां कहिंदे नहीं भी डले मारिओ इन्हां दे क्योंकि डले खाण जोगे है भी नहीं, दुश्मन भी चाहीदा ना मूहरे बराबर का, ये तो उन्ने जोगे भी नहीं, इन्हां ने पिंडां च आपे नहीं जाना। बिल्कुल नकम्मी और जीरो सरकार है भगवंत मान दी पंजाब च। जिस तरीके दे नाल लगातार माहौल दिखाया जा रहा, सिरजा जा रहा पंजाब दे नाल,
लगातार इमान सिंह खारा भी पटिशन पा रहे हैं कि जिहड़े सिंह ने उत्थे भेजे ने उन्होंने इत्थे लिया जाए ज किसी भी तरीके अमनदीप सिंह सिद्धू होर एडवोकेट उत्थे पहुँचे डिब्रूगढ़ तुहानू की लगता जिहड़े एन एस ए वर्गे एक्टर लगाए गए ने इत्थे आने चाहिए पंजाब दे विच नौजवान जिवें उन्हां दी गिरफ्तारी शो की गई। देखो भेजे ही गलत गए ने जिहड़े ओह नौजवान डिब्रूगढ़ भेजे ने बिल्कुल गलत भेजे गए ने उन्हां दा कोई कसूर यह नहीं। तुसीं देखियो जद कोर्ट च मसले जाणगे उन्होंने बरी हो जाना जी, कोई सबूत तो है नहीं। उन्होंने मैं काफ़ी नौजवानों नू जानदा दीप सिद्धू ना हुंदे सीगे है ना जिहड़े गए ने अंदर तो उन्होंने कदे कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। फेसबुक ते माड़ा मोटा करन वाले ने वो बेचारे है ना, उन्होंने कोई जुल्मता किया नहीं, कोई जबर नहीं किया, गल्लां बातें ही कीतियां ने। और उन्होंने बहुते तो यार कदे फेसबुक ते भी नहीं बोले। भाई साहब जी इस मैड करना चाहवांगा कई मौजूदा मंत्री इस तरीके नाल कह रहे हैं कि उन्होंने उत्थे भेजण दा कोई वड्डा कारण है जे इत्थे इत्थों दी जेलां दे विच रख दे तां मिंटां दे विच धरने ला लैणे सीगे वी उत्थे भेजण दा इह कारण हैगा कहिंदे मुख। इहदा मतलब जे धरने ला लैणे ने इहदा मतलब सरकार दे मंत्री इह गल समझ गए ना वी लोक उन्हां दे नाल नहीं हैगे। धरना दा मुजहरा तां हुंदा हुंदा जे लोक सरकार तों एंटी होण। इन्हां दे तां यार बाजे बोले ही होए ने हुण सरकार दे, तां इन्हां दे कख नहीं पल्ले। सारे पंजाब दी जनता तराह तराह करदी है, साडे पिंडां च जिहड़े झाड़ू चक्की फिरदे हुंदे सी उन्हां ने मारे भगा के झाड़ू। मैं साडे पिंड दा इक मैं उहनूं पुछिआ, मैं उहदे कोल कम गया, बेचारा लेबर दा कम करदा मुंडा है ना, वधिया कम करदा, उहदा कारोबार है छोटा जिहा। मैं उहनूं पुछिआ, मैं कहा गाहां नूं नहीं झाड़ू चक्कणा, उहने मैनूं जवाब दित्ता, मैनूं कहिंदा चाचा जी कहिंदा ये जिहड़ा झाड़ू है ना कहिंदा मैं चक्किया दी कहिंदा ये नालियां साफ करन वाला ही निकलिया, कहिंदा ये तां रूड़ी ते सिटता मैं, मैनूं उहने आह गल कही है, कहिंदा मैं तां रूड़ी ते सिटिया आ, कहिंदा इसलिए झाड़ू। एक उहने मैनूं होर बड़ी वधिया गल सुनाई, मैनूं कहिंदा चाचा जी ये झाड़ू आपां घर च लै के आउने आ, कहिंदा ये 6 महीने तो वध नहीं चलता, कहिंदा इहदी इन्नी कि मनियाद हुंदी आ, कहिंदा मैं रूड़ी ते सिटिया आ, इसलिए साल क च इन्हां तों चौ उतर गया लोकां दा गाहां नूं। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया इन्हां ने करतूतां इहो जिहियां कर देणियां ने, इन्हां नूं पिंडां च नहीं लोकां ने वड़न देणा। मन तां कह रहे ने कि लोक चाहुंदे ने कि केजरीवाल जी होरां नूं प्रधानमंत्री बनाउणा लोकां दी आवाज़ है। उन्होंने यह भी कहा कि जे असीं कम ना कीते तां आउण वाले समें दे विच असीं चोण वी नहीं लड़ांगे। जिहड़ा केजरीवाल है इहनूं तां पंजाब वड़न नहीं देणा हुण लोकां ने है ना, इन्हें तो सेंटर ने इनू फूक छकाती, इन्हों सिखा ना पंगा दवाता है ना, इन्होंने सिखा ते जबर और जुल्म किया, हुण केजरीवाल उन्हीं थोड़ो पंजाब च आ जाएंगे। उहदी की औकात है, उन्हूं पंजाबी गुरु दे सिख की समझते ने, उहदे पल्ले की है ना। जिहड़ा केजरीवाल कहिंदा मैं सब तो इमानदार बंदा CBI ने, वह भी गोल कर लेना देखते जाओ, अमित शाह उन्हीं ने हो ठीक है, उन्होंने हवा दे के इन्हों पंजाब च पंगा पवाता। हुण देखियो एक इन्हों का होर हों जो कहना दी मैं पढ़ाई बहुत वधिया करती, मैं स्कूल बहुत वधिया बनाते, वो लाला गंजा जिहा उहदा की नौती जी दिल्ली मनीष सिसोदिया वह भी अंदर है, होर भी इन्हां दे अंदर ने। उन्होंने कोले आने वाले समय च तुसीं देखेंगे हो जे तां जिवें अमित शाह उन्हीं नरेंद्र मोदी उन्हीं कहिंदे ने उकण करनगे, उन्हां दी जुत्ती दे तलबे बन के रहनगे। उन्होंने इन्हां नूं अपनी पैर की जुत्ती भी नहीं बनाउणा, जुत्ती दे तलबे जिहड़े थले लगे हुंदे ने, जे केजरीवाल उन्हीं उह बन के इंडियन स्टेट का रहनगे, BJP का रहनगे ठीक है, नहीं आने वाले समय च देखियो जिथे वह गंजा मनीष सिसोदिया है उत्थी केजरीवाल होगा। लगातार नौजवान मंग कर रहे हैं कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए ने। बीते दिनों के तस्वीर भी देखी, पहला भी देखी कि IPL जो मैच हो रहा है तो उत्थे तख्तियां लैके पहुंचे थे, खास तौर पर उन्होंने नारेबाजी भी की कि बंदी सिंह रिहा किए जाए, किवें देखते हो इस तरीके पुलिस ने भी चक लिया फिर गलबात करके छड भी दिता। हाँ जी ये जिहड़े उन्होंने प्रोटेस्ट किए ने नौजवानों ने बहुत वधिया करे ने जी, बिल्कुल पीसफुल ने, शांतमई ने। हरदीप सिंह है मुंडा, वह भी मौली वैदमान तो है जिहड़ा पहली बार गया, जिहड़ा हुण गया वह गुरिंदर है मुंडा, वह भी मौली वैदमान है। दोए साडी जथेबंदी नाल ने जी, जिहड़ी हरनेक सिंह फौजी वारस पंजाब की जथेबंदी का जिहड़ा प्रधान है साडे वारस पंजाब की जथेबंदी दे ने, दोए नौजवान वह उन्होंने विच्चों हरदीप सिंह नूं कौमी इंसाफ मोर्चे की कमेटी च भी पाया, तो जिहड़ा दीप सिद्धू का नौते ट्रस्ट बने है
दीप सिद्धू मेमोरियल ट्रस्ट उहदा मैंबर भी है हरदीप सिंह। बहुत चढ़दी कला वाले नौजवान ने दोए, उन्हां चों एक नौजवान ने अज अमृत छक लिया हरदीप सिंह ने, गुरु साहब ने उहदे ते बख्शिश की। बहुत समर्पित है मुंडा, बहुत चढ़दी कला वाला है, उहनूं मुबारक भी है जी, ते उहने बहुत वधिया काम भी कीता ते पूरा चढ़दी कला वाला। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਰੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ 3 ਕੁ ਵਾਰੇ ਗਿਆ, 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਭਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੀਏ, ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 8-9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਾਏ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 2 ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਥਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਜੂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਧੰਨਵਾਦ।